नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को पंचायती राज कॉन्फ्रेंस हॉल में सरपंच संघ की मांगों का समाधान किए जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में सरपंच संघ के मांगों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 19 जुलाई 2024 को शुक्रवार के दिन सरपंच संघ की मांगों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि ACS की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में यहाँ पर जो समीक्षा बैठक थी उसमें सरपंच संघ की निम्नलिखित मांगों के संबंध में ACS द्वारा निर्देश यहाँ पर दिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं राज्य वित्त आयोग 2022-23 का जो बकाया राशि है उसको रिलीज करने, केंद्रीय वित्त आयोग की 23-24 की राशि रिलीज करने, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मनरेगा में सामग्री भुगतान को लेकर भी यहाँ पर भारत सरकार को पत्र लिख दिया गया है, प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद हेतु बकाया दायित्वों के शीघ्र भुगतान हेतु भारत सरकार से पुनः आग्रह करने बाबत अतिरिक्त आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास को निर्देशित किया। साथ ही सरपंच संघ के प्रतिनिधियों द्वारा नरेगा में कुशल श्रमिकों को लगाए जाने एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि किए जाने की मांग के निस्तारण हेतु श्री मुकेश माहेश्वरी अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया। साथ ही अन्य बिंदुओं के संबंध में मनरेगा की भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मनरेगा में जो सामग्री का भुगतान बकाया था उसको लेकर भारत सरकार से पुनः आग्रह किया जाएगा। कुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर श्री मुकेश माहेश्वरी जो अधीक्षण अभियंता है उनको निर्देशित किया है। और अन्य बिंदुओं को लेकर जो मनरेगा की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जल जीवन मिशन को लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है। अब यहाँ पर जो मेन बात है आप देख सकते हैं दोस्तों, खाद्य सुरक्षा को लेकर भी निर्देशित किया है। अब बात करते हैं पंचायती राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर शीघ्र से शीघ्र भर्ती कराने का श्रम करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता के पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती हेतु नियम संशोधन के प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 24 जून 2024 द्वारा सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया है। नियम संशोधन उपरांत भर्ती के संबंध में अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं बैठक में यहाँ पर क्या निर्देश दिए, जिसके संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से संपर्क करते हुए प्रस्ताव का शीघ्र अनुमोदन करवाने हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव को निर्देशित किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंचायती राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंताओं को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रस्ताव है, जो संशोधन है, नियम संशोधन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु करने उपरांत राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से सहमति प्राप्त करने हेतु 24 जून 2024 को सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया है। नियम संशोधन उपरांत जो अर्थना है भर्ती की वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी जाएगी। बैठक में यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित संपर्क करते हुए शीघ्र अनुमोदन करवाने हेतु उपायुक्त एवं शासन सचिव को निर्देशित यहाँ पर कर दिया है। साथ ही आप देख सकते हैं पूर्व में सरपंच के दो चरणों में चुनाव हुए थे। प्रथम चरण में चुनाव में ग्राम पंचायतों में कार्यकाल बढ़ाते हुए पंचायत राज के चुनाव एक साथ कराए हैं। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवर्तित बजट 2024-25 में बजट घोषणा संख्या 97 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यहाँ पर निर्देश दिए हैं सरपंच संघ के प्रतिनिधि द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में अपनाए गए मॉडल अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिसके क्रम में शासन सचिव पंचायती राज द्वारा विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने बाबत सरपंच प्रतिनिधि को कहा गया। साथ ही साथ ACS महोदय द्वारा उक्त मॉडल का विस्तृत अध्ययन कर निर्णय लेने हेतु उपायुक्त एवं शासन सचिव विधि को निर्देशित यहाँ पर दिया गया है।
तो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरपंचों का मानदेय 20,000 किया जाए तथा सरपंच पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर अंतिम मानदेय की 50% राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों का बैठक भत्ता 500 रुपये प्रति बैठक किया जाए। इसको लेकर आप देख सकते हैं सरपंच संघ के प्रतिनिधियों की बैठक भत्ता दिए जाने के नियमों के संबंध में अवगत कराए जाने बाबत उपायुक्त एवं शासन सचिव को निर्देशित किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्गों के हाईवे पर सरपंचों को टोल फ्री पास जारी किए जाए। इसको लेकर शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ बैठक आयोजन कर समाधान करवाने हेतु उपायुक्त एवं शासन उप सचिव विधि पंचायती राज को निर्देशित यहां पर किया। साथ ही राज्य में पंचायती राज कल्याण कोष या बोर्ड की जो स्थापना है वो की जाए। इसको लेकर आप देख सकते हैं पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं में सरपंचों को सस्ती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराए जाने बाबत चौपाल की व्यवस्था की थी, किंतु उक्त सुविधा का लंबे समय से उपयोग में नहीं लिए जाने के कारण बंद कर दिया गया है। इस संबंध में ACS महोदय द्वारा पूर्व में संचालित उक्त व्यवस्था पर विचार कर अवगत करवाने बाबत उपायुक्त एवं शासन उप सचिव विधि पंचायती राज को निर्देशित किया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सरपंचों के अधिकारों में कटौती के लिए पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों द्वारा सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जो पंचायत राज एक्ट के विरुद्ध मांगे उठाई जा रही है। अतः सरपंच संघ अपने अधिकारों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में सरपंच संघ को अवगत करवा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 बिंदुओं को लेकर सहमति यहाँ पर बनी है, जिसमें FFC SFC का पेमेंट रिलीज करने, साथ ही साथ जल जीवन मिशन मनरेगा के सामग्री का भुगतान बकाया रिलीज करने, इसके अलावा पंचायत राज में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों पर भर्ती करने, सरपंचों का मानदेय 20,000 रुपये करने, सरपंचों के चुनाव एक साथ करवाने, BSR दर निर्धारित बाजार दर से निर्धारित की जाए, साथ ही साथ जो वार्ड पंच है उनका बैठक भत्ता 500 रुपये करने, सरपंचों का टोल जो हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग उनको टोल फ्री किया जाए, पंचायती राज कल्याण कोष या बोर्ड की गठन किया जाए, सरपंचों के अधिकारों में कटौती नहीं की जाए, साथ ही साथ ग्राम पंचायत में हो रहे अतिक्रमण और अन्य सरकारी कार्यों के लिए ग्राम पंचायत में पुलिस इमदाद के लिए उपखंड अधिकारी और तहसील स्तर पर जाना पड़ता है। इसको लेकर भी यहाँ पर जो है बात यहाँ पर बनी है। मैं बता दूँ बैठक 19 जुलाई को यहाँ पर हुई, जिसमें करीब 15 बिंदुओं को लेकर सहमति बनी है। आप देख सकते हैं आभा बेनीवाल जो संयुक्त निदेशक हैं उनके डिजिटली साइनोशी लेटर राजगाज रेफरेंस नंबर 9192 दिनांक 23 जुलाई 2024 को जारी किया है। तो यहाँ मनरेगा SFC SFC का फंड रिलीज करने, पंचायती राज कल्याण कोष का गठन करने, सरपंचों के अधिकारों में अनावश्यक कटौती नहीं करने, टोल फ्री पास जारी किया जाए हाईवे को लेकर, साथ ही साथ सरपंचों का मानदेय 20,000 करने को सहित करीब 15 मांगों पर यहां पर सहमति बनी है, जिसको लेकर 19 जुलाई को यहां पर बैठक का आयोजन ACS ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अध्यक्षता में किया गया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता के पदों पर शीघ्र भर्ती करने को लेकर भी जो है प्रस्ताव में नियमों में संशोधन को लेकर प्रस्ताव RPSC को भिजवा दिया गया था। यहाँ पर कार्मिक और वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर गए। जैसे ही RPSC से प्रस्ताव वापस प्राप्त होगा, संशोधन का जो अर्थना है भर्ती को लेकर वो संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर पंचायती राज चुनाव एक साथ करवाने को लेकर भी यहाँ पर सहमति बनी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।